नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलएमपी 31 ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड यात्रा का हमारा तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में मैं अपने घर से कैंची धाम तक कैसे आया और दर्शन किए उसका विवरण है। दूसरे पार्ट में कैंची धाम से अल्मोड़ा तक कैसे आया और वहाँ पर श्री कर्कटेश्वर धाम मंदिर के दर्शन किए उसके भी दर्शन का विवरण है। और तीसरे पार्ट में आज हम लोग जो जा रहे हैं जागेश्वर धाम, वृद्ध जागेश्वर धाम दर्शनों के लिए। पिछले दोनों पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि वो जाके देख लीजिएगा। और ये जो खूबसूरत शहर आप देख रहे हैं ये अल्मोड़ा शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है। और यहाँ से जागेश्वर धाम 36 किलोमीटर और जागेश्वर धाम से वृद्ध जागेश्वर धाम 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम दोनों जगह के दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। बहुत ही सुंदर रास्ता है, देवदार के दोनों तरफ पेड़ हैं, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही मनमोहक रास्ता होने के साथ साथ थोड़ा रोमांचकारी भी रास्ता है, क्योंकि यहाँ घुमावदार सड़कें हैं, पतली सड़क है तो थोड़ा संभल के चलना होता है। यदि आप लोग अपनी किसी व्हीकल से आए तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा जागरूक रहें ड्राइविंग करते समय, बाकी ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। और करीब अल्मोड़ा से करीब 1 घंटे का समय लगता है जागेश्वर धाम तक। ये देखिए किस तरह से पेड़ है, और कई बार हमको इस रास्ते में कई बार ऊपर चढ़ना पड़ता है और कई बार नीचे आना पड़ता है उतरकर, तो ये बहुत ही क्या कहते हैं एडवेंचरस अनुभव देगा आपको, तो एक बार अवश्य आइए। ये देखिए यहाँ से जो बाईं तरफ रास्ता गया है ये वृद्ध जागेश्वर धाम को रास्ता गया है, और यहाँ और इससे सीधे तरफ हम जाएंगे तो करीब 6-7 किलोमीटर पे जागेश्वर धाम पड़ता है। तो पहले जागेश्वर धाम चलते हैं, वहाँ के दर्शन पूजन करते हैं, उसके बाद फिर वृद्ध जागेश्वर धाम चलेंगे। जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँचते जाते हैं रास्ते की खूबसूरती और भी बढ़ती जाती है, दोनों तरफ पेड़ और ठंडक भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अगर अल्मोड़ा में आपको कुछ हल्की गर्मी सी महसूस हो रही है, फिर भी आप कुछ गर्म कपड़े जरूर पहन के आइए, क्योंकि रास्ते में बहुत ठंडक लगती है, खासकर मंदिर से 10 किलोमीटर पहले से, क्योंकि वहाँ धूप इतनी नहीं पहुँच पाती है, बीच में ऐसा कई जगह रास्ता है। हम लोग देखिए जागेश्वर धाम पहुँच गए हैं, यहाँ से शुरू हो गया है, यहाँ कई होटल्स हैं। और यहाँ आने के लिए आपको अल्मोड़ा तक आना होगा। अल्मोड़ा आने के लिए आपको अगर आप ट्रेन से आते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम का है, वहाँ से अल्मोड़ा के लिए बस टैक्सी सब कुछ उपलब्ध है। और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो पंथनगर एयरपोर्ट है, वहाँ से भी आपको टैक्सी बस हर चीज़ उपलब्ध है, जिस बहुत आसानी से मिल जाती है। ये देखिए मंदिरों का समूह आ गया, देखिए किस तरह फूल मालाओं से इसको सजाया गया है। अपनी बाइक पार्क करके हम लोग पहुँच रहे हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और यहाँ की आज खूबसूरती बहुत ही अच्छी लग रही है, फूल मालाओं चढ़ाया गया है। उसका दोस्तों कारण यह है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ दर्शनों हेतु आए थे, उस निमित्त इस मंदिर को मेरी समझ से सजाया गया है और आज हम लोग दर्शनों हेतु आए हैं। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, वैसे अक्सर भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन मेरा सौभाग्य है, कुछ ईश्वर की कृपा है कि भीड़ नहीं है, तो दर्शन बहुत अच्छे होंगे। यहाँ अनेक मंदिरों का समूह है, मतलब 100 से ज़्यादा मंदिर हैं, उनमें 2 मंदिर इसमें बड़े हैं, और एक तो मुख्य मंदिर है श्री जागेश्वर धाम का, एक और भी मंदिर है शिव जी का, वो भी है, बाकी छोटे छोटे मंदिर हैं, यज्ञशालाएँ बनी हुई हैं। और चारों तरफ से ये पेड़ों से घिरा हुआ है, देवदार पेड़ों से, इस तरह से इसकी जो वास्तुकला है ये बहुत ही अच्छी है, और सब पत्थरों से ही बना हुआ है, इसकी फर्श भी पत्थर की है और मंदिर भी पत्थर के हैं। आप लोग अभी तक नहीं आए हैं तो अवश्य आइए एक बार, बहुत ही आसान रास्ता है। ट्रेन से आइए तो काठगोदाम तक आ जाइए, एरोप्लेन से आइए, प्लेन से आइए तो आप पंथनगर तक आ जाइए, उसके बाद टैक्सी ले लीजिए। अगर अपनी व्हीकल से आते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए किस तरह से लोग दर्शनों हेतु आए हैं, मंदिर के समक्ष खड़े होकर अपना चित्र वगैरह ले रहे हैं। पहले एक मंदिर का एक
चारों तरफ का व्यूज दिखा देते हैं आपको, ये किस तरह से मंदिर बनाया गया है। बड़ी ही कारीगरी के साथ बनाया गया है, वीडियो में उतना खूबसूरती नहीं आती है। एक कुंड है, इसमें अंदर कमल के फूल, देखिए ये दिख रहे हैं आपको, कमल के फूल यहाँ पे हैं, डाले गए हैं, पानी जल भरा हुआ है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छी जगह है, सुकून वाली जगह है, शांति वाली जगह है, श्री जागेश्वर धाम मंदिर समूह जो भी है यहाँ पे। और ये मुख्य मंदिर है जो आप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिए जागेश्वर मंदिर। जय भोलेनाथ, सब पर कृपा बनाए रखें, हमारे व्यूअर्स पर विशेष कृपा बनाए रखें, मुझ पर भी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, और यदि आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, और काफ़ी एजेड पेड़ हैं, ये देवदार का पेड़ है, और वैसे तो सामान्यतः इतनी मोटाई नहीं होती है, दो पेड़ एक साथ खड़े हुए हैं। इसकी भी कुछ धार्मिक मान्यता है, यहाँ पे पूजा भी होती है। और एक ये पेड़ है, सबके आकर्षण का केंद्र है दोस्तों, ये देखिएगा आप, देखिए किस तरह से गणेश जी की रूप लिए हुए है सूंड का उनका, और ये दिखने में, वीडियो में इतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये दिखने में इतना बिल्कुल गणेश जी। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, उनमें से 8वें नंबर के भगवान जागेश्वर महादेव जी आते हैं, नागेशम दारुका बनी, नागेश्वर बाबा का नाम है। दारुका मतलब ये सारे जो आप वृक्ष देख रहे हैं, सारे देवदार के, उनके बीच में भगवान भोलेनाथ यहाँ पे अर्धनारेश्वर रूप में विराजमान है। हमारे पूरे कैंपस में यहाँ पे 125 मंदिरों का समूह है, जिनमें से 108 यहाँ पे शिवलिंग है। जागेश्वर यहाँ का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी जागृत अवस्था में होने के नाते यहाँ का नाम आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जागेश्वर रखा। और 108 पूरे कैंपस में शिवलिंग है, 125 मंदिर का टोटल समूह है। मुख्य मंदिर आप हैं, ये भगवान भोलेनाथ जी के दो द्वारपाल हैं, नंदी और भृंगी, और बाकी सब प्रभु की माया है। एक यहाँ पे अर्धनारेश्वर वृक्ष भी है, और महामृत्युंजय महादेव जी हैं जो यहाँ पे महामृत्युंजय जाप पुकारो इत्यादि करवाए जाते हैं, स्वास्थ्य कामना के लिए, सर्व मनोकामना के लिए, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए महामृत्युंजय जाप किए जाते हैं। ये थे हिमांशु जी जो यहाँ के पुजारी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही इन्होंने हमको दर्शन कराया अच्छी तरीके से, हम लोगों ने रुद्राभिषेक भी कराया पंडित जी ने हमारा, और ये जागेश्वर जो हमारा ये मंदिर समूह है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। अब ये देखिए फिर से एक बार व्यूज़ देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ के बाद अब हम लोग चलेंगे वृद्ध जागेश्वर धाम, एक बार एक चक्कर और लगा लेते हैं, आप लोगों के दर्शन करा लेते हैं बाहर की तरफ। इस तरह से बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छी पूजा हुई, हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया, अन्य भी पूजा की, करीब 2 घंटे का समय यहाँ पे हम लोगों को लगा, बहुत ही सुकून की प्राप्ति हुई। और अब हम लोग चल रहे हैं वृद्ध जागेश्वर, जो हमने उस समय आते समय रास्ता दिखाया था, हम लोग वहाँ से जाएंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे वृद्ध जागेश्वर है। और ये वृद्ध जागेश्वर जी का जो रास्ता है यह भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और इस पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता है, तो कभी कभी इसे हम लोगों को जो है अकेले फंस जाइए, 10-10 मिनट तक चलते रहिए तो डर लगने लगता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इस तरह से कितना सुंदर है, पतला रास्ता है यह भी, बहुत चौड़ा नहीं है, और 7-8 किलोमीटर है, करीब 15-20 मिनट में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं वृद्ध जागेश्वर। वृद्ध जागेश्वर वहाँ के टॉप चोटी पे है, वहाँ से सारी चोटियाँ दिखती हैं, हिम से लदे पहाड़ भी दिखते हैं, प्रयास करेंगे आपको दिखाएं अगर कैमरे में आ जाएंगे। इस ये रास्ते की खूबसूरती देखिए मित्रों, किस तरह से रास्ता है, तो अवश्य जाइएगा। अगर आप जागेश्वर धाम जाते हैं तो अवश्य आइए, वृद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन है तो आप लोग जाइए। और यहाँ भी जो रास्ता
साधन जागेश्वर धाम आने के हैं, वही यहाँ आने के हैं। आपको अल्मोड़ा तक आना पड़ेगा अपने संसाधन से, जो भी ट्रेन प्लेन बस, दिल्ली से बसें भी मिलती हैं। यहाँ तो कुछ बसें काठगोदाम तक आती हैं, कुछ हल्द्वानी तक आती हैं, स्लीपर बसें दिल्ली से मिलती हैं और वो आपको या तो हल्द्वानी छोड़ देंगी या काठगोदाम छोड़ देंगी, वहाँ से आप टैक्सी लेकर के आ जाइए। बाकी ट्रेन तो काठगोदाम के लिए पूरे देश से ट्रेनें उपलब्ध हैं, ऐसा स्टेशन है वो, क्योंकि इसके आगे रेल ट्रैक है नहीं। अब हम लोग वृद्ध जागेश्वर धाम मंदिर पहुँचे, मंदिर का गेट है, अपनी बाइक को कहीं पार्क कर देते हैं सुरक्षित जगह पे। सड़क का निर्माण हो रहा था तो लगभग सड़क बन गई है, थोड़ी एक दो किलोमीटर बची है, वो भी एक दो दिन में बन जाएगी। हम लोग अब प्रसाद लेकर, एक ही प्रसाद की दुकान है छोटी सी, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है अगर आप उसके सापेक्ष देखें जागेश्वर धाम के। लेकिन मंदिर बहुत अच्छा बना है, छोटा मंदिर है लेकिन बहुत अच्छा बना है। जय भोलेनाथ। इस तरह से ये टॉप पे है उस क्षेत्र की जो पहाड़ी है, ये यहाँ से देखिए आप लोगों को शायद दिख रहे हो पहाड़, कैमरे में नहीं आ रहे हैं, कैमरे में नहीं आएंगे, लेकिन जो है ये देखिए उधर जो सफ़ेद ये लाइन दिख रही है, ये पहाड़ है बर्फ़ के और ये मुख्य मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं और ये वीडियो हम दर्शनोपरांत ही दर्शनों तक ही रखेंगे। अगला गोलू देवता, अगले पार्ट में गोलू देवता और कसार देवी के दर्शन कराएंगे। पुनः आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे ऐसी प्रार्थना है। श्रीमान भोलेनाथ से आप लोग दर्शन कीजिए भोलेनाथ के, वृद्ध जागेश्वर धाम के, और दर्शनोपरांत इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय भोलेनाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय।